नमस्कार, DUCR की पाठशाला की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदलाल। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे संविधान के अनुसार साइंटिफिक टेंपर यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना भारतीय नागरिकों का एक मूल कर्तव्य है। साइंटिफिक टेंपर, जिसे हिंदी में वैज्ञानिक चेतना कहते हैं, की पहली चर्चा पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में मिलती है। वे लिखते हैं, द साइंटिफिक अप्रोच एंड टेंपर आर और शुड बी अ वे ऑफ लाइफ, अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, अ मेथड ऑफ एक्टिंग एंड एसोसिएटिंग विथ आवर फेलो मैन। वहीं अमर्त्य सेन अपनी किताब में लिखते हैं कि वैज्ञानिक चेतना सनातन काल से ही भारतीय दर्शन का हॉलमार्क रहा है। आज़ादी के 70 सालों में सरकार ने अपनी योजनाओं व उनके कार्यान्वयन में वैज्ञानिक चेतना के विकास पर बहुत जोर दिया है, किंतु अभी इस दिशा में लंबा सफर तय करना बाकी है। आखिर भारत विज्ञान जगत में दुनिया के बाकी देशों से पीछे क्यों है? नई खोज, नई तकनीक व नए संस्थानों के स्तर पर इतने विकास के बावजूद हम अपनी पारंपरिक मान्यता व विश्वास से ऊपर क्यों नहीं उठ पाए हैं? समाज में वैज्ञानिक चेतना के विकास व प्रसार के लिए क्या कदम उठाने होंगे और इस रास्ते में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना होगा? इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं तीन विशेषज्ञ। आप हैं प्रोफेसर मदन मोहन चतुर्वेदी, जाने माने जैव वैज्ञानिक हैं और फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय के क्लस्टर इनोवेशन सेंटर तथा सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के निदेशक हैं। आप हैं प्रोफेसर शोभित महाजन, जाने माने भौतिक शास्त्री और विज्ञान लेखक हैं और वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स में प्राध्यापक हैं। और आप हैं श्री आर.के. सिंह, दूरदर्शन के इंजीनियर इन चीफ रह चुके और फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय सामुदायिक रेडियो के सलाहकार हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। साथ ही कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कुछ छात्र भी हमारे स्टूडियो में आ सकते हैं। तो आइए परिचर्चा की शुरुआत करते हैं चतुर्वेदी सर से। सरल शब्दों में हम जानना चाहेंगे आपसे कि साइंटिफिक टेंपर यानी वैज्ञानिक चेतना क्या है, और बारी बारी से आप दोनों से भी जानना चाहेंगे। नंदलाल जी, वैज्ञानिक चेतना एक साधारण शब्दों में अगर हम आपको समझाएं तो किसी भी विषय को जब हम देखते हैं उसको क्वेश्चन करना, उसको एज इट इज़ हमें एक्सेप्ट कर लेना कि किसी ने हमें, बुजुर्ग ने, हमारे बड़े ने कह दिया है या हमारे किसी शास्त्र में लिखा हुआ, उसको ऐसे ही मान लें। तो किसी भी होने वाली घटनाओं की, अपने इर्द गिर्द समाज में होने वाली व्यवस्थाओं को अगर हम मूल रूप से क्वेश्चन करते हैं तो वहीं से एक वैज्ञानिक चेतना का या साइंटिफिक टेंपर का शुरू होता है। बिल्कुल। और उस क्वेश्चन के साथ अगला आता है कि अब उस क्वेश्चन को एक हम लॉजिकल वे में, क्वेश्चन ऐसा ही सिंपल नहीं होता कि आपने कुछ पूछ दिया, और ऐसे तो हम हजारों प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन उस प्रश्न के साथ उसमें एक निश्चित रूप से लॉजिकल स्टेप वाइज स्टेप हम उस क्वेश्चन के परिभाषा और उसके सलूशन ढूंढने की जो प्रक्रिया है, इन दोनों को मिला के एक वैज्ञानिक चेतना या साइंटिफिक टेंपर कहते हैं। जी, आप चतुर्वेदी साहब ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं उससे थोड़ा और आगे जाना चाहूँगा। चतुर्वेदी साहब ने जो बात कही कि हर चीज़ को क्वेश्चन करना, हर चीज़ के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना कि क्यों है ये, कैसे है ये, सच है या नहीं है, और ये सब चीज़ें सही हैं, ये क्रिटिकल थिंकिंग है। लेकिन अगर हम जिस तरह से हम साइंटिफिक टेंपर जिस चीज़ को हम कहेंगे, या वो साइंटिफिक टेंपर से पहले मैं एक शब्द कहना चाहूँगा कि साइंस क्या है, क्योंकि साइंटिफिक टेंपर तो तभी डिफाइन होगा जब साइंस डिफाइन होगी। अब साइंस को आदमी इतना नैरोली डिफाइन नहीं कर सकता है कि ये एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये बायोलॉजी है। साइंस की जो सबसे वाइड परिभाषा है वो यही मानी जाएगी कि एक तरीका है दुनिया को या प्रकृति को समझने का, जिसमें हम कोई हाइपोथेसिस करते हैं, हम कोई चीज़ को सोचते हैं कि भाई ये इस तरह काम करेगी, उसको फिर हम टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगर वो हाइपोथेसिस खरा उतरता है तो उसको थ्योरी में कहा जाता है कि हाँ ये इस तरह है, तब तक जब तक अगला कोई शख्स आके एक एक्सपेरिमेंट करके उस हाइपोथेसिस को डिसप्रूव ना कर दे। तो अगर ये साइंटिफिक तरीका है तो साइंटिफिक टेम्परमेंट कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी भी फील्ड में हो सकती है, अगर आप इस तरह की एक्सपेरिमेंटल तरीके से नेचर को या किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। पर उसके लिए सबसे पहली बात, जैसा चतुर्वेदी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन करना है, उसके बाद ही करेंगे आप कि किस तरह से क्वेश्चन करना है। तो जैसे फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए, मैं ये मानता हूँ कि जैसे हमारे मैकेनिक हैं या हमारा प्लम्बर है, अब हमारे मैकेनिक हैं, जैसे आप मान लीजिए कार के मैकेनिक होते हैं या ट्रैक्टर का मैकेनिक है गाँव में,
उसको इंटरनल कंबस्चन इंजन और लॉज ऑफ फिजिक्स और थर्मोडाइनिक्स के बारे में कुछ नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम है, लेकिन आपका ट्रैक्टर ठीक कर देगा। वो कैसे ठीक करेगा, उसने क्या किया, उसके पास जब आपका ट्रैक्टर पहली बार गया या जब भी उसका पहली बार ट्रैक्टर को देखा उसने उस पर एक्सपेरिमेंट किया कि यार मैं ये नट टाइट कर दूं तो ये होता है, ये नट ढीला कर दूं तो ये होता है, इसको कुछ करूं तो वो होता है, और उसी से उसकी बॉडी ऑफ नॉलेज बढ़ी। यही साइंटिफिक टेम्पर है। साइंटिफिक टेम्पर के लिए साइंस एज अ बॉडी ऑफ नॉलेज को जानना जरूरी नहीं है। प्रयोग और अनुभव क्या था, अनुभव और प्रयोग और उसको हमेशा जो है क्वेश्चन करना, लेकिन प्रयोग और अनुभव से पहले एक आपके दिमाग में हाइपोथेसिस होना जरूरी है कि भाई क्या चीज है जिसको आप टेस्ट कर रहे हो। आप बताइए सर। डॉक्टर चतुर्वेदी ने और महाजन साहब ने जो बताया मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ, और मैं इसी में मैं भी एक सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर साइंस के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास होता है, जो भी चीज किसी भी विषय पर आप ले लीजिए, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे सेटेलाइट हो कुछ भी, तो वो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम हार्डवेयर मान लें तो साइंटिफिक जो चेतना है, वैज्ञानिक चेतना जो है या साइंटिफिक टेम्पर जो है, उसको हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिल करके और फिर आपको आउटपुट मिलेगा, और उस पे बारे में चर्चा अभी हम लोग करेंगे, लेकिन जो एक डेफिनेशन वाली बात है कि साइंटिफिक टेम्पर क्या है, वैज्ञानिक चेतना क्या है, तो मुझे लगता है कि अगर उसको कोई भी चीज़ है उस चीज़ को 10 लोग जो है 10 तरीके से सोच सकते हैं, क्योंकि हर एक की सोचने की शक्ति, एनालाइज करने की शक्ति अलग अलग है, तो इसको हम कह सकते हैं कि यह वैज्ञानिक चेतना है। चतुर्वेदी साहब, आप जैव वैज्ञानिक हैं, तो क्या जन्म से ही अनुवांशिक गुण के रूप में हर व्यक्ति में ये सोचने की क्षमता या साइंटिफिक टेम्पर मौजूद होता है? देखिए, आपने प्रश्न बड़ा अच्छा है कि मनुष्य में देखें, जो हम लोग जीव विज्ञान में जैविक विकास बोलते हैं, तो मनुष्य एक तो ये खुद को मानता है, चूँकि ये विकास प्रक्रिया खुद स्टडी करता है कि वो सबसे ऊपर विकास की प्रक्रिया में है, लेकिन जो साइंटिफिकली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो मस्तिष्क का विकास है, और जो मस्तिष्क में जिसको कॉग्निशन, ये विकास केवल मनुष्य में हुआ है, जानवरों में नहीं है। तो मूलतः निश्चित रूप से ये साइंटिफिक टेम्परामेंट मनुष्य में तो आप निश्चित रूप से मानिए कि वो इनबॉर्न है। चाहे वो कितना भी छोटा बच्चा, छोटे बच्चे को देखिए उसकी उत्सुकता, आप टेम्परामेंट को आप दूसरे परिभाषा में बोलिए कि हर चीज़ की जानने की उत्सुकता, हर चीज़ में एक्सपेरिमेंट करने की उत्सुकता। आप छोटे बच्चे को कहते हैं कि आग है इसमें हाथ जलेगा, वो नहीं मानता आपकी बात को, तो वो इनबॉर्न इनहेरेंटली उसके अंदर वो टेम्परामेंट है कि हम पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है वहाँ जरा लेता अलग बात है, लेकिन ये उत्सुकता तो बिल्कुल इनबॉर्न और इनहेरेंट मनुष्यों में। सिंह साहब, आपसे जानना चाहेंगे अगला सवाल कि वैज्ञानिक चेतना का विकास व प्रसार हमारे मौलिक कर्तव्यों में से एक है, सरकारी योजनाओं में इसको किस प्रकार की अहमियत दी गई है, दी जा रही है या फिर दी जानी चाहिए? इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मैं भारत सरकार से जुड़ा रहा हूँ, खास करके आकाशवाणी से बहुत लंबे समय तक, और पंचवर्षीय योजनाओं में खास करके हमारा योगदान रहा है। मैं जब चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट था और 10th प्लान का एक तरह से मैं लीड कर रहा था जो प्रोजेक्ट, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो योजनाएं बनती हैं, क्योंकि इनकी जो कार्रवाई है वो 3-4 साल पहले ही शुरू हो जाती है, जैसे नेक्स्ट 5-year प्लान है उसके बारे में मीटिंग शुरू हो जाती है उसके बारे में। तो अब जो अगर आपका जो प्रश्न है कि चेतना मीटिंगें क्यों होती हैं, सबसे पहले तो ये कहा जाता है, जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का, तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग पुराने समय से चली आ रही है, अब उसका प्रारूप बदलता आ रहा है, पहले FM नहीं था, FM आ गया, उसके बाद में ये हुआ कि अब इसको डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग करनी है। तो सवाल ये उठता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिसे मैं अगर एक शब्द जोड़ दूँ ब्रेन स्टॉर्मिंग, तो वो भी आपकी इस वैज्ञानिक चेतना से ही जुड़ा हुआ है। तो उसमें पहले तरह तरह के लोग उसके पक्ष में, उसके विपक्ष में ये सब चीज़ें बोलते रहते हैं, और फिर एक कंक्लूज़न निकलता है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन में जाने के पहले हमें तैयार रहना पड़ता है, वहाँ के जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो प्लानिंग ऑफिसर्स हैं या जो मिनिस्ट्री में हैं, वो इतने सवाल करते हैं कि ये कर दोगे तो क्या होगा, क्योंकि अल्टीमेटली उनको पैसा देना होता है, तो वो उसको साइंटिफिक तरीके से समझना चाहते हैं कि ये करने से हमारा जो पैसा है वो यूज़ होगा कि नहीं। तो मैं समझता हूँ जो आपका प्रश्न है कि जो सरकार के रूप में या इसके रूप में पंचवर्षीय योजना में वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्पर को बहुत अच्छी तरह से उपयोग में लाया जाता है।
बिल्कुल। और इस साल 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के अवसर पर हमारा थीम भी सुनिश्चित किया गया था इसी विषय पर, हाउ टू फोस्टर साइंटिफिक टेम्परामेंट इन आवर सोसाइटी। आगे बढ़ते हैं चर्चा में, और महाजन सर आपसे जानना चाहेंगे कि आज़ादी के 70 साल बाद नई खोज, नए तकनीक व नए संस्थानों के स्तर पर इतने विकास के बावजूद हमारा समाज अपनी पारंपरिक मान्यताओं व विश्वास से ऊपर क्यों नहीं उठ पाया? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। कोई समाजशास्त्री इसका जवाब दे सकता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि हमारे समाज, देखिए दो अलग अलग चीज़ें हैं। सामाजिक रूप पे साइंटिफिक टेम्परमेंट और या टेम्पर जो है वो किस तरह विकसित होता है, और इंडिविजुअल और फैमिली रूप पे किस तरह विकसित होता है। अगर आप समाज को बाद में देखें लेकिन इंडिविजुअल को देखें, तो एक चीज़ आप बड़े, जैसा चतुर्वेदी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जब मनुष्य बहुत छोटा होता है तो वो बाय नेचर क्यूरियस होता है, हर चीज़ के बारे में सवाल पूछना है कि ये क्यों है, ये कैसे है, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। यही सबसे पहला स्टेप है साइंटिफिक टेम्पर को विकसित करने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है और हमारी जो सोसाइटी है, वो कुछ ऐसी गुरु शिष्य परंपरा कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें, वो इस तरह से उसके ऊपर हावी है कि हम उस क्यूरोसिटी को बजाय इसके कि एनकरेज करें, प्रोत्साहित करें कि भैया हाँ और सवाल पूछो, सवाल ही पूछ के सीखोगे, या हाथ अंदर डालो आग के, हाथ जलेगा तभी सीखोगे कि आग गर्म होती है, मेरे किताबों में पढ़ने से नहीं पता चलेगा कि आग गर्म होती है और बर्फ़ ठंडी होती है, बजाय इसके हम उनको जो है उसकी क्यूरोसिटी को जो है डेड करते हैं। 12 साल के अंदर जब बच्चा पढ़ के निकलता है स्कूल से, तो उसको सवाल पूछने की क्षमता बिल्कुल ज़ीरो हो गई होती है, और जो भाई बची कसर होती है वो हम लोग यहाँ पूरी कर देते हैं यूनिवर्सिटी में, अपने पूरी तरह से पूरी कर देते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। चतुर्वेदी सर, आप दो ऐसी संस्थाओं के प्रमुख हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जिसको कि इन विषयों पर काम करना होता है, साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देना होता है, तो आपको क्या लगता है शैक्षिक संस्थानों व पाठ्यक्रमों के स्तर पर क्या ऐसे बदलाव होने चाहिए जो कि वैज्ञानिक चेतना को समाज में बढ़ावा दे सके? देखिए, अभी जैसे महाजन साहब ने बहुत सही कहा कि आज हमारे समाज में जो वैज्ञानिक चेतना या साइंटिफिक टेम्पर या क्यूरियासिटी टुवर्ड्स क्वेश्चनिंग जो इसका जो ख़त्म हुआ है, तो इसका मूल कारण, ये बुरा लगेगा हमारे शिक्षा के संस्थानों को, लेकिन मूल कारण हमारे शिक्षा संस्थान ही हैं। और इसमें बड़े एक फेमस एजुकेशनिस्ट फिलासफर ने कहा था कि मेन आर बॉर्न इग्नोरेंट बट नॉट स्टूपिड, बट इट इज एजुकेशन व्हिच मेक्स देम स्टूपिड। ये हो क्या गया कि जो पद्धति हमने ऐसी निकाल ली है पढ़ाने की, और उसमें लिए उसे कई कारण, ये बहुआयामी प्रश्न है इसमें, लेकिन इसका उत्तर और इसका समाधान संभव है, बशर्ते कि हम उसका समाधान करना चाहें। जैसे मसलन, अब एक तो विरोधाभास में हमारा समाज हमेशा विरोधाभास में जीता है, ये जो भारतीय, जैसे देखिए अमर सेन की आपने चर्चा की, उन्होंने कहा कि भारतीय समाज के बहुत ही पुराने समय से वैज्ञानिक चेतना या साइंटिफिक टेम्पर ये क्षमता थी, वो एक ऋषि मुनियों की परंपरा इसको कहते हैं। लेकिन अब आज क्या हो गया, ऋषि मुनि परंपरा को हम इतनी रूढ़िवादिता में जोड़ दिए हैं, तब हम कहते हैं कि उसको प्रश्न नहीं करना है, उसको आपको एज इट इज़ ही लेना है, क्योंकि वो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा। एक दूसरी तरफ जैसे स्वतंत्रता हुई तो हमें लगा कि नेहरू जी ने सोचा कि विकास होना चाहिए, तो उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया, तो ऐसा हमारी जो पुरानी सोसाइटी थी वो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी थी, हो सकता उस नॉलेज में इंडस्ट्री नहीं था, लेकिन जब हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनाने में जो हम विज्ञान यहाँ लाए, वो विज्ञान बहुत बढ़िया विज्ञान था, लेकिन अब उस विज्ञान में उसमें धीरे धीरे उसको एज इट इज़ लेने लगे, उसमें जो क्वेश्चन करने की परंपरा होनी चाहिए थी वो हमने एकदम खत्म कर दिया। और 10वीं या 12वीं लेवल तक के जो किताबें होती हैं एनसीईआरटी के अलावे जो स्कूलों में थोपा जाता है स्कूल प्रशासन के द्वारा, उन किताबों में इस तरह की बात बिल्कुल नहीं होती है कि वो वैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा दे सकें स्टूडेंट्स में, और कई जगह तो प्रैक्टिकल जैसी पढ़ाई होती ही नहीं। नंदा जी, मैं अब आप इसमें कि इसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक तो था करिकुलम आपने बना दिया, दूसरा था करिकुलम को एग्जीक्यूट करना,
अब एक छोटी सी मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूं, मैं जब भी एनसीईआरटी या और संस्थाओं में जब जाता हूं तो बार बार ये मैं कहता हूं कि आज से 40 साल पहले जो एक्सपेरिमेंट विज्ञान, मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और उसका पूरा श्रेय हमारी उस स्कूली पद्धति और हमारे टीचर जो उस समय हमें स्कूल में पढ़ाए थे, उन्होंने इतनी इनक्यूजिटी ने इतनी क्यूरियासिटी जगाई कि हमें लगा कि विज्ञान पढ़ने के अलावा और साइंटिफिक टेंपर के अलावा और दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन आज भी जब मैं देखता हूँ जो 40 साल पहले जो पढ़ाई गई थी, आज भी किसी न किसी रूप हम उसी पर अटके हुए हैं, उसके आगे उसको विकास करने में या तो हम द्वंद्व में फंस जाते हैं कि हम सीधे चलेंगे अपने जो पारंपरिक ज्ञान है या हम एकदम जो विदेशों से ज्ञान है उसको एज इट इज ले लेंगे क्वेश्चनिंग करके, और दोनों में बीच के हम आके एक उस दोराहे में फंस के हम फंस जाते हैं, तो वो एक रास्ता नहीं दिख रहा। लेकिन इसका तरीका है और इसमें अगर ठीक से सोच किया जाए, ठीक से इसमें बहस किया जाए तो इसका तरीका जरूर निकलेगा। आप तक आएंगे, लेकिन इस बीच एक सवाल और बनता है इसी से संबंधित कि हमारे यहाँ शैक्षणिक संस्थाओं विश्वविद्यालयों से रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को अलग करके देखा जाता है, ये क्या उचित है या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, तो बहुत बड़ी गलती हुई। हम फिर नेहरू जी पर जाएंगे। जब नेहरू जी ने एक परिकल्पना की थी, उन्होंने एक संस्था बनाई जो कि अच्छी संस्था है, जिसको हम CSIR बोलते हैं, काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल रिसर्च इसको कहते हैं, और उनका सबसे बड़ा मूल उद्देश्य था कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो शिक्षण संस्थाएँ हैं और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिसर्च, ये दोनों में बहुत स्ट्रांग लिंकेज होना चाहिए। और आज विदेशों में देखिए तो जो मेजर इंडस्ट्रियल डिस्कवरीज या इसको अप्लाइड साइंस या जिसको यूज, ये सारे मूलभूत रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में हो रही हैं। हमारे यहाँ किसी कारण से जनसंख्या के आधार पर जो हमने एक शिक्षा पद्धति जो निकाली कि सबको देनी है, उसमें कागजी ज्ञान देने के चक्कर में हमने एक्सपेरिमेंट इंक्विजिटिवनेस क्वेश्चन को हटा के एक डिग्री देने की संस्था निकाल ली, और जो रिसर्च संस्थान उन्होंने सोचा कि भाई पढ़ाई कौन करने जाए, इसमें तो समय किल होता है, हम केवल रिसर्च करेंगे। तो धीरे धीरे भारत में भी जब शुरू में जब बनी थी तो मेजर रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में ही होती थी, लेकिन आज जो स्थिति हो गई कि एक हम स्पेशलाइज रिसर्च सेंटर बना दिए हैं और उनको वो केवल PhDs कराते हैं, मूलभूत उनको शिक्षा यूनिवर्सिटी देती है, जो डिस्कनेक्ट हुआ है ये आगे के विकास के लिए बड़ा ही घातक है और डिस्कनेक्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहते? हाँ, मैं डॉक्टर चतुर्वेदी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। वैसे तो मैं रेगुलर प्रोफेसर तो आप लोगों की तरह नहीं रहा हूँ, लेकिन करीब 20-25 सालों से मैं गेस्ट फैकल्टी, मेरा शौक था रहते हुए, तो मैं हर कॉलेजेस में और आज भी जाता हूँ हर जगह। मैंने जो चीज़ पाई, जैसे मैं आपको हाल ही में अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में मैं गया लेक्चर के लिए, तो एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, लड़के यहाँ के बहुत ब्राइट हैं, मेरे ख्याल से 95% 98% के बच्चे थे, और मैंने यही रेडियो के बारे में बताना था, तो ये सैटेलाइट के बारे में बात आई। मैंने कहा भाई ये बताओ कि ये सैटेलाइट जो है ये अचानक वहाँ कैसे चला गया, किसी ने कुछ सोचा तो होगा, और ये करता क्या है बेसिकली? मुझे बड़ा तकलीफ़ हुई मेरे को कि जान करके। सैटेलाइट के बारे में सब लोगों ने जल्दी जल्दी जो उन्होंने पढ़ा है किताबों में वो बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन मैंने कहा बेसिकली ये सैटेलाइट करता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? आखिर पहले तो बहुत कम, एक ही बच्चे ने शायद बताया कि आर्थर सी क्लार्क का आइडिया था कि वहाँ पर एक चीज़ डाल दी जाए। तो ये एक समझना कि ये बेसिकली एक रिफ्लेक्टर है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है किसी भी विषय का, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आज के बच्चों में मिसिंग है, लेकिन वो बहुत ब्राइट है, वो अच्छे से अच्छे नंबर लाते हैं, तो वहाँ पर ये जो साइंटिफिक चेतना, जो क्यूरियोसिटी है, इसलिए मैं पढ़ाने के पहले कहता हूँ व्हाई व्हाट एंड हाउ, अगर ये तीन सवाल का जवाब दे दोगे तुम समझ जाओगे। जिस सोसाइटी में कौन बनेगा करोड़पति को चरम सीमा माना जाता है नॉलेज का, वो सोसाइटी इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में जो अंतर है उसको समझ नहीं पा रही है। बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन तो गूगल पे मिलती है, नॉलेज नहीं मिलती है गूगल पे, बल्कि गूगल एक तरह से लोगों को कमजोर बना रहा है, मेरा तो ये मानना है, उनकी जो सोचने की शक्ति है वो कमजोर होती जा रही है। नॉलेज नहीं मिलती है। पूछूं, आजकल तो बच्चे अपने जेब पास में वो लैपटॉप लेके बैठते हैं, एक सवाल किया तो बजाय सोचने के खट से सर वो जवाब दे देते हैं देख करके गूगल पर कि ये इसका जवाब ये होगा। इन्फॉर्मेशन ही सब कुछ कर देता तो सारी इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी में किताबों में रखी हुई है, तो लाइब्रेरी तो सबसे बड़ा ज्ञानी हो जाना चाहिए। महाजन सर, आपसे हमारा अगला सवाल होगा कि हमारी शिक्षा पद्धति में विज्ञान, कला और वाणिज्य,
इन तीनों को वर्गीकृत करके देखा जाता है और इसी में पढ़ाई का जो पूरा सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो चलता है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए, इससे वैज्ञानिक चेतना में बढ़ोतरी होती है या घटोतरी होती है? इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं ये मानता हूँ कि कोई वाणिज्य, जैसा मैंने शुरू में आपको एक उदाहरण दिया ट्रैक्टर मैकेनिक का, मैं ये सोचता हूँ कि वाणिज्य क्षेत्र वाला आदमी, देखिए साइंटिफिक टेंपर को आप साइंस के साथ कंफ्यूज मत करिए, बिल्कुल कंफ्यूज मत करिए। जैसा मैंने आपको शुरू में ही इसलिए एग्जांपल दिया कि ट्रैक्टर मैकेनिक जो है उसको बहुत ज़्यादा साइंटिफिक टेंपरमेंट है, या वो किसान जो एक कीड़े को निकलते देख के ये बता सकता है कि भैया अब जो है बारिश का टाइम आने वाला है, उसको बहुत साइंटिफिक टेंपर है। उसको चाहे जूलॉजी के बारे में कुछ नहीं मालूम, एग्रोनॉमी के बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन उसको साइंटिफिक टेंपर है। तो ये जो शिक्षा का जो ये अलग अलग पद्धतियों में जो हुआ है बंटवारा, इससे साइंटिफिक टेंपर का कोई लेना देना नहीं है। तो आप ये बताइए कि वैज्ञानिक चेतना के प्रसार में विपनेट, विज्ञान प्रसार, NISCIR, साइंस कांग्रेस, ऐसी संस्थाओं का क्या योगदान हो सकता है या हो रहा है, या फिर किस स्तर पर ये अपना योगदान दे सकते हैं? देखिए बहुत बहुत ज़रूरी है इनका योगदान, लेकिन ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि 1960s के अंदर, 1960 के दशक तक हिंदुस्तान में तकरीबन, जहाँ तक मेरे को मालूम है, कम से कम 3 या 4 साइंस मैगजीन आती थी। उसमें साइंस टुडे सबसे बड़ी होती, हम लोगों को सबको पता है, साइंस रिपोर्टर आती थी, साइंस टुडे होती थी, ज्ञान प्रगति होती थी, इस तरह की 3 या 4 साइंस मैगजीन आती थी। अखबारों के अंदर रेगुलरली हफ्ते में एक बार साइंस का पेज होता था। अब तो किसी अखबार में मुश्किल से ही, अब मेरी बात, मैं पूरी बात कर रहा हूँ, उसी को सुनिए आप। 70-80 के दशक तक आते आते मैगजीनें ख़त्म हुई और वो साइंस के पेज ख़त्म हो गए। टेलीविज़न पे प्रोग्राम, दूरदर्शन पे आप छोड़ दीजिए, ऑल इंडिया रेडियो पे छोड़ दीजिए, जहाँ अभी भी थोड़े बहुत आते हैं, सब ख़त्म हो गए, सब ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि इस मार्केट है जी, ये नहीं किसी ने सोचा कि मार्केट कौन डिफाइन कर रहा है, आप समझ रहे हैं। तो इस ऐसे जो वातावरण के अंदर, मेरे विचार में साइंस रिपोर्टर हुआ या विज्ञान प्रसार, जैसे साइंस रिपोर्टर जो निस्केर की निकलती है या विज्ञान प्रसार जो निकालता है, जो अपनी पत्रिकाएं निकालता है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। देखिए एक चीज़ को आप कभी मत भूलिएगा कि अभी भी इस देश में ऐसे इलाके हैं जहां पर इंफॉर्मेशन की बड़ी कमी है। मैंने बहुत कई साल पहले, 4 या 5 साल पहले मेरा एक लेख उन्होंने साइंस रिपोर्टर के अंदर शायद रिपब्लिश किया कहीं और से लेके, तो मेरे को 6 महीने बाद उसके एक पोस्टकार्ड आया एक गांव में ओडिशा के, वहाँ पे एक 10वीं क्लास या 8वीं क्लास का छात्र था, उसने वो वहाँ पे लेख पढ़ के मेरा एड्रेस वहाँ से लेके उसने जो है मेरे को पोस्टकार्ड भेजा, कोई सवाल था उसका। अच्छा। तब मुझे पता चला कि इन चीज़ों का क्या महत्व है। हम लोग सोचते हैं कि साइंस रिपोर्टर कोई पढ़ता ही नहीं है, ऑब्वियसली यहाँ पे दिल्ली में किसी को पास समय ही नहीं है साइंस रिपोर्टर पढ़ने का, ना ही कोई इसमें रुचि है। तो आपको क्या लगता है इस क्षेत्र में कैसे और क्या सुधार? देखिए सुधार तो मैं जानता नहीं हूँ, ये कोई एक, जैसे चतुर्वेदी साहब ने कहा कि ये कोई सिंगल कोई ऐसी कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है और ना ही गोली है कि भैया ये खा लो और साइंटिफिक टेंपर आ जाएगा। तो ऐसा हो सकता है ना, इंस्टीट्यूशंस अपने इंस्टीट्यूशनल लेवल पे सुधार चाहिए, एजुकेशनल सिस्टम के लेवल पे सुधार चाहिए, हमें अपने पर्सनल लेवल पे सुधार चाहिए। क्या कारण है कि बड़े से बड़ा साइंटिस्ट जो है TIFR में बैठता है और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो अपना खाना बाहर फेंक देता है घर का, ये कौन सा साइंटिफिक टेंपर है आप मुझे बताइए, उसको तो बहुत साइंस आती है। एक सवाल इसी पर हमारे लिस्ट में है और वो बन रहा है कि धर्म से किस प्रकार की चुनौतियां होती हैं वैज्ञानिक चेतना को? बहुत ज़्यादा। देखिए धर्म बाय डेफिनेशन धर्म जो है वो एक रिसीव्ड विजडम है, कि विजडम नॉलेज ज्ञान जो है वो आया हुआ है कहीं से, चाहे ऋषि मुनियों ने दिया है, चाहे किसी किताब से आया है, चाहे किसी आपके पैगंबर से आया है, कहीं से भी आया है, वो रिसीव्ड विजडम है। रिसीव्ड विजडम और साइंटिफिक टेंपर जो है ये दोनों बिल्कुल अपोजिट चीज़ें हैं, तो इनके बीच में समन्वय निकालना जो है वो मुझे लगता है नामुमकिन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे उसकी कोई मतलब ज़्यादा वो नहीं दिखती है, गुंजाइश नहीं दिखती है कि इनके बीच में कोई समन्वय हो पाएगा। और जहाँ पर जितने समाज के अंदर जितना ज़्यादा धर्म की पकड़ होगी,
अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया है एक साइंटिस्ट के बारे में, जैसे और बहुत हैं, वो अकेले नहीं हैं, बहुत हैं। हमारे इसरो के चीफ जो हैं वो तिरुपति गए मंगलयान जाने से पहले, अब आप सोच लीजिए इसके बारे में। मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ वो तिरुपति ज़रूर जाएं, इंडिविजुअल लेवल पर जो मर्जी करें वो, उसको मुझे कोई उसमें एतराज़ नहीं। मैं मुख्यतः सहमत हूँ महाजन के साथ से, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, एक विरोधाभास देखता है कि धर्म को अगर आप रिलीजन कह देंगे, लेकिन धर्म की परिभाषा जो दी जाती है कि धर्म एक पद्धति है, प्रोसेस है। तो अगर धर्म आपको मान लीजिए एक आस्था देती है, बिल्कुल, तो क्या वही आस्था, वही फीलिंग, अगर हम वैज्ञानिक चेतना में वही आस्था हमारी विज्ञान में आ जाए। आज हम जैसे विज्ञान के विद्यार्थी हैं, हम रहते अपने देश में हैं, बहुत सारी चीज़ों को मानते हैं, लेकिन जो विज्ञान में मेरी आस्था है, जो वैज्ञानिक पद्धति में जो मेरी आस्था है, विज्ञान को ही अपना धर्म समझना होगा, तो वो बिल्कुल अगर मान लीजिए तो वहाँ विरोधाभास आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस पद्धति में आस्था आए कैसे? देखिए धर्म में इसलिए आई है कि हमारे दादा परदादा उसके पहले के लोग कहते आए, इसलिए सही है। कई बार हम लोग कहते हैं कि ये चीज है, क्यों? कि उन्होंने कहा था, लेकिन ये नहीं सोचने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों है। देखिए बहुत आसान है सिंह साहब करना, बहुत आसान। पहली प्रक्रिया है कि सबसे पहले तो परिवार से शुरू होगा, ये दूसरी प्रक्रिया समाज से शुरू होगा, सरकार का रोल और ये सब तो बहुत बाद में आता है। तो ये इसकी चेतना जैसे आपकी जो संस्था निस्केयर है, जो वैज्ञानिक जो मैगजीन्स है, अगर आज अगर हम अपने घरों में हम अपने छोटे बच्चों को, हम छोटे बीच में अपनी बात रोके आगे बदल रहा हूँ, जैसे हम बचपन में थे तो अपने अपना पर्सनल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमें अपने परिवार में, हमारे परिवार और हमारे इर्द गिर्द, जो मैं तो बहुत छोटे गांव से आता हूँ, लेकिन उस परिस्थितियों में भी जो वैज्ञानिक चेतना और जो इंक्विजिटिवनेस हमारी छोटी छोटी समस्याओं को, सामाजिक समस्याओं को भी एक वैज्ञानिक तरीके से, जो साइंटिफिक टेम्पर साइंस नहीं है जैसा हमारा, बिल्कुल सही कहा, उस पद्धति से सोचने की प्रक्रिया बड़ी अच्छे रूप से हमें मिली। इसीलिए आज मैं अपने को इतना सौभाग्यशाली मानता हूँ कि समाज में आज हम लोग इस जगह पर बैठे हैं जहाँ पर कि हम लोग इस पर बहस कर पा रहे हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे आज हमारे देश में हैं लोग जो कि अन्य जगहों पर हैं कि उनको ये प्रॉपर माहौल नहीं मिल पा रहा। तो एक पारिवारिक माहौल देने के बहुत ज़रूरी है कि वो परिवार शिक्षित हो, वो परिवार को उनकी उनको सूचनाएँ मिले, जहाँ पर कि रेडियो है, टेलीविज़न है, सामाजिक संस्थाएं हैं जो कि उन परिवार को उस लायक बनाए। शिक्षा एक बहुत बड़ा कारण है, ये अगर सबको सही रूप में पहुंच जाए तो परिवार से शुरू होगा और वो फिर समाज। आज हमारा समाज अगर 100% शिक्षित हो जाए, हर परिवार में शिक्षा का महत्व पता हो जाए, भाई देखिए जो जिनके पास पैसे नहीं हो तो उनके दिमाग में तो यही है कि अगर एक हाथ एक्स्ट्रा हो गया तो एक एक्स्ट्रा काम हो गया, एक्स्ट्रा पैसा मिल गया, तो ये तो एक डिस्कनेक्ट है। और जिनके पास बहुत पैसा है वो सोचते हैं पैसा ही सब कुछ है, विज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन एक सही शिक्षा और एक सामाजिक चेतना और समाज का जुड़ाव, ये दोनों चीज़ें होने लगेंगी तो निश्चित रूप से संभव है। और मैं तो बड़ा आशावादी हूँ और इसमें आशा देखता हूँ। सिंह सर, आप मीडिया से जुड़े रहे हैं बहुत लंबे अरसे से, आपको क्या लगता है कि मीडिया में विज्ञान को लेकर के इतनी जागरूकता क्यों नहीं है? टीवी चैनल्स हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं के बराबर हैं विज्ञान में, ना अखबार हैं और पत्रिकाएं गिनी चुनी हैं, तो क्यों ऐसा है? और मैं समझ गया आपकी बात, और जैसा कि अभी महाजन साहब ने भी बताया कि अगर मैं देखूं, क्योंकि मैं सन 71 से रेडियो से और दूरदर्शन से जुड़ा हुआ हूँ, और पहले साइंस में बहुत से जो प्रोग्राम्स बनते थे, बिल्कुल बनते, और क्लासरूम वहाँ पर क्लासेस में रेडियो स्पीकर्स लगाए जाते थे, और आज छठी क्लास का लेक्चर है, आज सातवीं का है, आज दसवीं का है, और स्कूल ब्रॉडकास्ट के नाम से उसमें अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया जाता था और रीजनिंग के तौर पे वो लेक्चर्स किए जाते थे। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो मेरे सामने ही धीरे 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 वो ख़त्म होते गए। आज आप देखिए नेशनल ज्योग्राफिक चैनल और एक और बढ़िया, हाँ वो इतनी अच्छी चैनल्स हैं, क्या उस मुकाबले की, उस टक्कर की हमारे यहाँ पर कोई चैनल है? नहीं है। और जो लगभग थोड़ा सा उभरता हुआ चैनल बिल्कुल था, ज्ञान दर्शन और वो भी खत्म हो रहा है, ये दोनों ही तो बंद हो गए। आप जो कह रहे हैं, अच्छा उसके आगे उसके मुकाबले में आप देखिए धर्म की कितनी चैनल्स हैं जो कि अंधविश्वास की तरफ हमको ले जा रही है। लोग उसमें ये कहते हैं कि अच्छा आपको क्या तकलीफ है, आप अपना जन्मदिन बताइए, आप अपना रंग बताइए, तो वो उसको बताते हैं और वो चैनल चल रही है। ये दुर्भाग्य है।
तो आपको तो, नहीं लगता आप दूरदर्शन और आकाशवाणी से जुड़े रहे तो सरकारी संस्थानों के एग्जैक्टली लेकिन देखिए सरकारी संस्थान में तो इतना नहीं है जो ये चैनल्स की बात कर रहा हूँ ये दूरदर्शन और उसमें तो नहीं है लेकिन प्राइवेट को रोकना भी बड़ा मुश्किल है लेकिन हाँ गाइडलाइंस एक बननी चाहिए एक इनके ऊपर ट्राई की तरह या एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो ये देखे कि जो जो प्रोग्राम जा रहे हैं क्या वो वास्तव में लोगों के लिए है या शायद ऐसे ऐसी बॉडी तो है ही ना अभी भी जो है अश्लीलता तो नहीं आती है टेलीविजन पे नहीं आती है ना सिगरेट का एड तो नहीं आता है तो ऐसा क्या कारण है कि रामदेव जी आके बोलते हैं कि अगर आपको जब गोरा बच्चा पैदा करना है तो आप ये करिए और वो करिए और ये अलाउ क्यों हो रहा है इस देश में तो ये इसमें वो चेतना वाली बात है कि आखिर हमें मिल करके आपका इस मैं तो कहता हूँ इस प्रोग्राम के माध्यम से ऐसे प्रोग्राम और ज्यादा होने चाहिए और डिस्कशन हाँ। ज़्यादा होने चाहिए और शायद इसके बाद में रिपोर्ट वगैरह अगर गवर्नमेंट को भेजी जाए क्योंकि गवर्नमेंट कौन है गवर्नमेंट भी लोगों से विचार लेकर के और उसके बाद में ही चलती है तो आपका जो कहना है चैनल्स बढ़ती जा रही हैं अब तो हम नंबर ऑफ चैनल्स भी मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कितनी चैनल्स हैं लेकिन उसमें कितनी है एक बात इसी से संबंधित और है कि हमारे यहाँ बाल विज्ञान साहित्य या विज्ञान साहित्य लेखन नहीं के बराबर है एक दो गिने चुने नाम है जयंत विष्णु नार्लिकर जैसे कुछ लोग कर रहे हैं ऐसा आप दोनों वैज्ञानिक हैं क्या नहीं लगता कि आपको भी लिखना चाहिए या और वैज्ञानिकों को भी इसमें आगे आना चाहिए मैंने तो बहुत लिखा है मैंने तो 22 किताबें लिख दी हैं 22 या 23 किताबें हैं मेरी जो बच्चों को बच्चों के लिए ही हैं वो 13 साल 15 साल से नीचे बच्चों के लिए ही हैं 22 या 23 मैं आपको मैं बता दूं कि मैं वैसे रेगुलर तो लिखने वाला नहीं हूं लेकिन हाँ पेपर्स वगैरह लिखता रहता हूं मेरा सिर्फ एक ही चीज़ पर जोर गया है कि मैं 40 साल की नौकरी के बाद जो चीज़ें सीखी हैं उसको नॉन टेक्निकल वे में समझाया जाए अब आपको शायद आश्चर्य होगा कि जो कंप्रेशन है ऑडियो वीडियो कंप्रेशन इसको मैं ऑरेंज जूस से समझाता हूँ मतलब कॉन्सेप्ट को आपको देना जरूरी है और ये तभी इंटरेस्ट आएगा क्योंकि ये चीज़ें जैसे ये चीज़ें जो है पूरी 100% मैथमेटिक्स है कोई भी बच्चा उसको नहीं समझ पाएगा आपको शुगर कोटेड करके गुणन करके आपको देना होगा कि लोग इसमें इंटरेस्ट लें मतलब इंटरेक्टिव लर्निंग और इंटरेस्टिंग लर्निंग और इजी लर्निंग देश में चेतना को बढ़ाने के लिए एक और तरीका हो सकता है कि ओपन लर्निंग को बढ़ावा दिया जाए 1992 के दशक में दिल्ली विश्वविद्यालय के अभी जो वाइस चांसलर हैं दिनेश सिंह वो टीवी पर दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम करते थे गणित को लेकर और उसकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया रही पूरे देश में लेकिन वो भी बंद हो गया ओपन लर्निंग और रेडियो टीवी इन सब के थ्रू जो लर्निंग होगी विज्ञान को लेकर के उसमें कैसे लोग वैज्ञानिक लोग आकर के भाग लें बढ़ावा दें बिल्कुल करना चाहिए मैं तो समझता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और DUCR ने ये पहल ली है और पर्सन्स लाइक डॉक्टर चतुर्वेदी और डॉक्टर महाजन और अगर इसी तरह से हम औरों को जोड़ें देखिए अगर ये कहें कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते तो वो गलत होगा हमें जोड़ना है और दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉलेज का एक अथाह समुद्र है यहाँ पर कंटेंट की मुझे कई बार पूछा जाता है कि आप DUCR में कंटेंट कहाँ से लाएंगे मैंने कहा सर अगर DUCR कंटेंट नहीं ला सकता है तो दुनिया का कोई भी रेडियो स्टेशन चाहे वो कम्युनिटी रेडियो हो चाहे वो ऑल इंडिया रेडियो हो चाहे कोई भी हो वो कंटेंट नहीं ला सकता है हमारे पास इतना कंटेंट है उसको सिर्फ लाना है चैनलाइज करना है उसको 5 लाख बच्चे हैं चतुर्वेदी सर आपसे जानना चाहूंगा कि रचनात्मक कार्यों वर्कशॉप और विज्ञान मेला साइंस एग्जीबिशन इस सब को किस तरह से बढ़ाया जाना चाहिए हमारे यहाँ जो सबसे मददगार हो इस क्षेत्र में सब ये तो बिल्कुल निश्चित रूप से विज्ञान मेला या एग्जीबिशन कॉम्पिटिशन पर्सनली जैसे कि महाजन साहब का तो इनका हॉल ऑफ फेम ही है ये पॉपुलर साइंस पर स्कूल लिखना छोटे बच्चों के लिए मैंने भी इनकी जो किताब पढ़ी है बड़ी अच्छी लिखी हुई है और मैं जरूरी नहीं कि हर आदमी लिख ही पाए जो मेरा मैं क्या करता हूँ कि जो कि मैं और ये आशा भी करता हूँ कि विश्वविद्यालय में जो हाई एंड रिसर्च साइंटिस्ट या रिसर्च इंस्टीट्यूशन में इनको अपना समय निकाल के स्कूल्स में जाना चाहिए बिल्कुल और ये मैं बहुत करता हूँ अभी और इसी के तहत मैं एक संस्था है बॉम्बे में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की एजुकेशन विंग है हुई बाबा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन तो वो लोग अलग अलग हाई एंड कॉम्पिटिशन जैसे ओलंपियाड वगैरह करते हैं उसी तरह से NCERT के थ्रू और मैं अपने पर्सनल रूप में भी स्कूलों में जाके जब स्कूल में जो साइंटिफिक एग्जीबिशंस होते थे प्लस कुछ ऐसे कि मान लीजिए टीचर के अलावा हर स्कूल में एक साइंस क्लब या एक ऐसी साइंस चेतना की एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए उसमें लोगों को बुलाना चाहिए जो कि बड़े पहुँचे हुए लोग हैं जो कि सरल भाषा में
और अपनी सामाजिक समस्याओं को एक वैज्ञानिक रूप में इस पे वो बच्चों को जागरूक कर सके, उस पे लेक्चर दे सके और उस पे उनकी इनक्यूजिटीनेस को बढ़ा सके। होता क्या है आजकल जो सामाजिक एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, हो सकता है जनसंख्या कारण हो, क्योंकि आगे डिमांड एंड सप्लाई में सीटें कम होती हैं, आईटी में जाना, मेडिकल में जाना, तो हर पेरेंट बच्चों को अब स्कूल में रोकना नहीं चाहता। अब तो स्कूल नाम मात्र को हो गए हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं, अब एग्ज़ाम पास नहीं किया जाता, आजकल एग्ज़ाम क्रैक किया जाता है। देखिए मानसिकता ही बदल गई है उसमें, पहले पढ़ाई पढ़ने के लिए पढ़ी जाती थी, अब यह पढ़ाई क्रैक करने के लिए पढ़ी जा रही है। ये मानसिकता भी एक कारण है, लेकिन इसका विकास तभी संभव है कि इस तरह के जो इंटीग्रेशन यूनिवर्सिटी के लोग, हायर एजुकेशन के लोग, विकास का बदलाव होगा जबकि आप स्कूल में छोटे बच्चे पाएंगे। जब एक बार आपका मानसिक विकास एक दूसरे डायरेक्शन में हो गया, हमारे दिमाग में बन गया कि मुझे तो कितने के का पैकेज मिलना है और केवल पैकेज ही इम्पॉर्टेंट है और नथिंग एल्स इज इम्पॉर्टेंट, तब तो हम बाकी विकास नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि स्कूलों में उनके एक तो है कि करिकुलम में बदलाव चाहिए, लेकिन साइंटिफिक टेम्पर के लिए उनके एग्जीबिशंस हों, उनके एनुअल एग्जीबिशंस हों, रेगुलर बेसिस पर हों, और बड़े बड़े साइंस लैब के जो लोग जुड़े हुए हों वो वहाँ जाएं और वहाँ उनको दिखाएं कि एक बड़े सरल भाषा में, एक बार हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिए हर आदमी भाग जाएगा। तो ये करना, इसका इंटीग्रेशन उसमें उसके प्रसार के लिए बहुत ज़रूरी है, और इस तरह की प्रयोग तो बहुत ही लार्ज स्केल पर होने चाहिए। जी, अब हम कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, इससे पहले हम चाहेंगे कि आप दोनों जो छात्र हैं क्लस्टर इनोवेशन सेंटर के, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं हमारे मेहमानों से। मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि हम लोग आमतौर पर देश के नामी ग्रामी विश्वविद्यालयों की भी अगर बात करें तो वहाँ पर जब पीएचडी रिसर्च वगैरह होता है तो वहाँ पर कुछ नई चीज़ें आने के बजाय कुछ ऐसी चीज़ आती है कट कॉपी पेस्ट जैसी चीज़ें होती हैं, तो आखिर इसे किस तरह से कम किया जा सकता है, कुछ नई चीज़ें किस तरह से समाज में लाई जा सकती हैं समाज के विकास के लिए। हमारे यहाँ रिसर्च बहुत कम हो रहा है और नोबेल प्राइज़ तो नहीं के बराबर आ रहे हैं हमारे यहाँ। देखिए, जब तक से हम अपनी सोच में मौलिकता नहीं लाएंगे, अभी क्या हो गया है कि हमारी पूरी शिक्षा का पद्धति प्रणाली, एक हम लोग बहुत आसानी शब्द यूज़ करते हैं, ये हो गई है हमें जिंदा रखने की प्रणाली, हो गई सर्वाइवल साइंस हो गया। तो उसमें हम क्या करते हैं कि मी टू रिसर्च करते हैं। तो पहले उसकी ज़रूरी है कि हम अपनी मौलिकता को बढ़ावा दें, और ये मौलिकता केवल यूनिवर्सिटी में आके नहीं आएगी, ये मौलिकता लाने के लिए, मौलिकता को बढ़ावा देने के लिए उसका जो जड़ है वो बहुत अर्ली डालना पड़ेगा। हर आदमी बोल्ड होके हायर लेवल पर आके क्वेश्चन नहीं पूछ पाता, वो तो सोचता किस तरह से मुझे पीएचडी मिले, नौकरी मिले और मुझे कुछ पैकेज मिल जाए या कुछ मुझे एक जीविका का साधन मिल जाए। तो जो विज्ञान के और वैज्ञानिक चेतना का जो सीडिंग है और जिसमें कि वो लड़का ओरिजिनल क्वेश्चन पूछा जाए, देख तो ये तो छात्र के रूप में हो गया, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारे संस्थानों में जो नियुक्तियाँ होती हैं, जो लोग लाए जाते हैं, वहाँ पर भी एक्सेलेंस तो लाना ही होगा। अब होता क्या है कि हम अगर आप मीडियोकर लोगों की नियुक्ति करेंगे तो वही होगा कि क्लास में हम जाते ही पहले बोलेंगे कि सबसे पहले हम डिस्करेज करेंगे प्रश्न पूछने की, और प्रश्न पूछने वाले को डांटना शुरू करेंगे। लड़का भी बुद्धिमान हो चुका है तब तक, वो सोचता है प्रश्न पूछो ही मत, नंबर लेना है केवल। तो ये दोनों ज़रूरी है कि बहुत अर्ली इनक्यूजिटिवनेस और उस बोल्डनेस को मेंटेन करने के लिए शिक्षा संस्थानों में एक्सेलेंट लोगों की ज़रूरत है, जो कि बोल्ड होके चीज़ों को पढ़ा पाए। केवल हम कॉपी ना करें विदेशों की, जब तो विदेशों की कॉपी करोगे तो उन्हीं में, जैसे किसी ने विदेश में प्रिंसिपल दिया तो मैंने भी किया कुछ लेटरल में, मैंने कहा मी टू, आई ऑल्सो प्रपोज सपोर्ट दिस थिंग, तो कभी नहीं नया निकलेगा। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालयों में जैसे इतनी ईजी तरीके से पीएचडी की डिग्री मिल दी जाती है लोगों को, इसमें भी कुछ ना कुछ खामी तो ज़रूर है। मतलब ये आप हमारे मतलब हमारे डिपार्टमेंट के पीएचडी वालों से पूछिए कि इजी तरीके से दी जाए, आसानी से मिलते नहीं। सीरियसली बात यह है कि हाँ, बहुत सारी खामियां हैं, हर लेवल पे खामियां हैं। हमारे अंडर ग्रेजुएट सिस्टम को भी इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है, पोस्ट ग्रेजुएट सिस्टम को तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। देखिए, बहुत मुश्किल ये सवाल है कि एक अंडर डेवलप्ड कंट्री में जहाँ पे हमारी एनरोलमेंट रेशियो बड़ा कम है, जहाँ हमारी लिटरेसी, तो छोड़ दीजिए एनरोलमेंट रेशियो की बात कर रहा हूँ, जो लोग कॉलेज और स्कूल जाते हैं वो बहुत कम है अभी, वहाँ उन एनरोलमेंट रेशियो अगर बढ़ाना है हमको तो एक बहुत फाइन बैलेंस हमको मेंटेन करना होगा क्वालिटी और एक्सेस के बीच में। अब अगर मेरे
डिपार्टमेंट में या किसी भी डिपार्टमेंट में आपने सीटें तो कर दी 300, जो 300-400 सीटें आपको भरनी हैं, आपका अंडर ग्रेजुएट सिस्टम से जो आउटपुट निकल रहा है वो इतना अच्छा नहीं है कि वो 300-400 सीटों में वो एमएससी से कोप भी कर पाए। ये तो अलग सवाल है, सामाजिक स्तर पे हम पूछ सकते हैं कि भाई सब लोगों को एमएससी करने की आवश्यकता क्या है जी। भाई और भी चीज़ें हैं दुनिया में करने को, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो फिर लंबा सवाल हो जाता है कि क्यों हमारा समाज जो है हाथ से काम जो करने वाले लोग हैं उन लोगों को क्यों नहीं हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं, हम लोग सारा जो बौद्धिक काम करने में हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, वो लंबा सवाल है। लेकिन आपके जहाँ तक सवाल की बात है, वो हर लेवल पे जो है हमें इसके अंदर बहुत सारी टिंकरिंग करनी है, बहुत रेडिकल चेंजेस भी लाने हैं कई सवालों में। तो ये आसान मतलब इस तरह कोई भी इस एक सिंपल सवाल जवाब मेरे लिए देना संभव नहीं होगा कि इसका ये कर दें तो सब ठीक हो जाएगा। अब चर्चा को समेटते हुए बारी बारी से आप तीनों के पास पहुँचेंगे अंतिम राय के लिए। वो संदेश टाइप का होगा कि वैज्ञानिक चेतना को समाज में बढ़ावा देने के लिए, आम आदमी से विज्ञान को जोड़ने के लिए, और कुल मिलाकर एक वैज्ञानिक संस्कृति साइंटिफिक कल्चर को बढ़ावा देने के लिए क्या किए जाने चाहिए, क्या संदेश होगा हमारे सुनने वालों के लिए और उन लोगों के लिए भी जो इस काम को बढ़ावा दे सकते हैं। बारी बारी से। सबसे पहले जैसे मूलतः रूप से कहा कि परिवार में एक चेतना और उस परिवार की चेतना को सामाजिक चेतना, हमारे होने वाले समाज में परिवर्तन में विकास, इन दोनों के साथ उस छात्र को या उस बच्चे को सामाजिक वैज्ञानिक चेतना देने के लिए इन दोनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो वैज्ञानिक चेतना का जो सीडिंग है वो परिवार और समाज से शुरू होना चाहिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कहा चतुर्वेदी साहब ने, लेकिन मैं उसमें जोड़ना चाहूँगा कि सामाजिक तौर पर या प्रशासनिक तौर पे, बल्कि सामाजिक तौर पे सबसे अहम, जिस जो समाज प्राइमरी स्कूल टीचर को रिस्पेक्ट नहीं देता है वो समाज बहुत आगे नहीं जा सकता कभी। क्यों? क्योंकि सारी जो बुनियाद है वो सब प्राइमरी स्कूल में ही पैदा होती है बच्चों के साथ। तो इसको लेके, और दूसरी बात, दूसरा इसकी तरफ जो बात होगी कि हमारे जो पॉलिटिकल कल्चर है, जो सोशल कल्चर है, जो पॉलिटिकल कल्चर है वो इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोशल कल्चर, उसके अंदर भी हम लोगों को कहीं ना कहीं पीपल हु आर इन पोजीशंस ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपने स्टेटमेंट्स के अंदर और अपने व्यवहार के अंदर, पब्लिक व्यवहार के अंदर। प्राइवेट व्यवहार के अंदर वो जो मर्जी करें उससे मेरा ना कोई लेना देना है, किसी का कुछ नहीं। पब्लिक व्यवहार के अंदर जब पीपल हु आर इन पोजीशंस ऑफ पावर जब वो ब्लेटेंटली सुपरस्टिशियस या ब्लेटेंटली अनसाइंटिफिक बातें करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है पूरे देश पे पड़ता है जी। आप दोनों ने दूसरे परिप्रेक्ष्य में आपने बात बताई, मैं अपने पिछले 25-30 साल जो कि मैं एजुकेशन से डायरेक्टली तो नहीं जुड़ा रहा लेकिन वैसे ज़रूर जुड़ा रहा हूँ और अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं बच्चों के साथ मेरा संबंध शुरू से रहा है। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि आज की जो पढ़ाई है, जो टीचर लोग हैं, उनमें और बच्चों की नॉलेज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। उसका कारण यह है कि अगर उन्हें मालूम है कि डॉक्टर चतुर्वेदी आज इस टॉपिक पर पढ़ाने जा रहे हैं तो आप और आप जो हैं वो लोग गूगल पे पहले ही जा करके वो इन्फॉर्मेशन, जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा, बाकी जो ढीले डाले हैं उनको, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो उसको ऑलरेडी ले करके आएंगे। पढ़ाने का जो तरीका है मेरे हिसाब से वो हमें वहाँ पर कॉन्सेप्ट जो उस चीज़ का, उस विषय का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर वो हम डिस्कस करके क्लियर कर देंगे तो बच्चा तो इतना होशियार है कि वो अपने आप ही उसको बाकी डिटेल में पढ़ लेगा। दुर्भाग्यवश जो मैंने देखा है जो बच्चों के साथ इंटरेक्शन में, कि वो लोग इंटेलिजेंट तो बहुत हो जाते हैं लेकिन जो उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है सर वो बहुत ही कमज़ोर रहता है। अब चाहे जिसको मान लीजिए मैं स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 15 साल रहा हूँ अपने डिपार्टमेंट के लोगों को पढ़ाने, तो मेरा एक ही मकसद होता था कि अगर ये फॉल्ट आया है तो वो तो ठीक है, फॉल्ट दूर हो जाएगा, क्यों आया वो अगर आप जान जाओगे तो आगे कभी आएगा ही नहीं। और यही चीज़ है, अगर बच्चों को हम लोग एक कॉन्सेप्ट के बीच में और उनको कहें कि और पूछो, जैसा आपने कहा कि नहीं हम पहले डिस्करेज कर देते हैं कि कुछ पूछना नहीं है, लेकिन बच्चों को ये कहा जाए, और क्योंकि ये चीज़ें उनको गूगल पे नहीं मिलेंगी, हमें यह देखना है कि जो चीज़ गूगल पे नहीं मिल रही है और हमें उनको ऐसा देना है कि वो जाकर के उसको और ढूंढे और अपनी चेतना को, वैज्ञानिक जिज्ञासा को बढ़ाएं, तो शायद ये बहुत बड़ी बात होगी। आप तीनों हमारे इस कार्यक्रम में आए और हिस्सा लिया और सार्थक चर्चा की वैज्ञानिक चेतना को समाज में बढ़ाने के लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद धन्यवाद।